4 सब्जेक्ट जीके पेज नंबर 46-48। अब 46 में देखिए हमारा क्या है, ओलंपिक गेम्स। चैप्टर का नाम है हमारा ओलंपिक गेम्स। इसमें कोई डायग्राम बनी है, उस डायग्राम के अनुसार आपको लिखना है कि खिलाड़ी को, जो हमारा खिलाड़ी है, क्या कर रहा है, कौन सा खेल खेल रहा है। जैसे द ओलंपिक गेम्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्ट, जो हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, आर एन इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय खेल होते हैं, मीन हेल्ड एवरी 4 ईयर, जो 4 साल के बाद खेले जाते हैं। गिवन बिलो आर द आइकन्स, इसमें कुछ आइकन्स दे रखे हैं, ऑफ सम ऑफ द स्पोर्ट्स इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स, जो ओलंपिक्स से संबंधित हैं। राइट देयर नेम्स इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड, जो इसमें स्पेस दे रखा है उसमें आंसर फिल करना है। पहला आइकन क्या कह रहा है, देखो प्लेयर्स क्या कर रहा है, पहले आइकन में प्लेयर्स भाग रहा है, भागने का मतलब रनिंग। पहला हमारा खेल क्या है, रनिंग का है, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग कर रहा है प्लेयर, तो पहले आंसर में रनिंग को हम फिल कर देंगे। सेकेंड नंबर पर क्या कर रहा है हमारा खिलाड़ी, फेंसिंग, फेंसिंग कर रहा है, एफ ई एन सी आई एन जी, फेंसिंग, तो फेंसिंग की स्पेलिंग हम फिल करेंगे। थर्ड वाला आइकन क्या कह रहा है, जो हमारा खिलाड़ी क्या कर रहा है, जेवेलिन थ्रो, किसी चीज को फेंक रहा है, तो उसका नाम है हमारा जेवेलिन थ्रो, तो प्लेयर क्या कर रहा है, जेवेलिन थ्रो कर रहा है। अब फोर वाले में क्या है, ये आइकन्स किसका दिखा रही है, प्लेयर क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो इसका मतलब हमारा स्पोर्ट्स कौन सा है, साइकिलिंग, सी वाई सी एल आई एन जी, साइकिलिंग। अगला है हमारा जो प्लेयर्स है वो क्या कर रहा है, खिलाड़ी टेनिस, टेनिस खेल रहा है, तो टी ई डबल एल आई एस, 5 नंबर पर हम टेनिस को फिल कर देंगे। और 6 नंबर पर हमारा जो प्लेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, खिलाड़ी बैडमिंटन, बैडमिंटन खेल रहा है, तो बैडमिंटन की स्पेलिंग शो कर देंगे, बी ए डी बैड एम आई एन टी ओ एन मिंटन। अगला हमारा प्लेयर क्या कर रहा है, एक खेल खेल रहा है जिस खेल को हम कहते हैं गोल्फ, जी ओ एल एफ, 7 नंबर पे आपको गोल्फ बनना है। और 8 नंबर पे क्या कर रहा है हमारा आर्चरी, तीर चला रहा है, 8 नंबर पर आर्चरी लिखेंगे, फिल करेंगे, ए आर सी एच ई आर वाई, आर्चरी। और 9 नंबर पर क्या प्लेयर कर रहा है, वो हमारा खिलाड़ी है, वो फुटबॉल खेल रहा है, एफ डबल ओ टी बी ए डबल एल, फुटबॉल। और 10 नंबर पर, 10 नंबर यहाँ पर लिखा है, तो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, हॉकी खेल रहा है, तो हॉकी की स्पेलिंग वहां पर फिल कर देंगे हम, एच ओ सी के ई वाई, हॉकी। और 11 नंबर पर क्या है, वजन को उठा रहा है, भार को उठा रहा है, तो वेट लिफ्टिंग, डब्ल्यू ई आई जी एस टी वेट लिफ्टिंग, एल आई एफ टी आई एन जी वेट लिफ्टिंग। और 12 नंबर पर जो हमारा खिलाड़ी है वो क्या कर रहा है, तैर रहा है, तैराकी कर रहा है, तो वहां पर लिखेंगे स्विमिंग, एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी स्विमिंग। अब पेज नंबर हमारा है 48 पेज नंबर बोलिए, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जो हमारे राष्ट्रीय खेल होते हैं उन पर अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन बिलो आर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ सूचना दे रखी है, अबाउट द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय अवार्ड से हमारे इनाम है इन स्पोर्ट्स, जो खेलों में दिए जाते हैं, नेम दी अवार्ड, उन अवार्ड के नाम लिखना है, कौन सा अवार्ड इससे संबंधित है। पहला देखो इसमें थ्योरी क्या कह रही है, पहले इसमें देखो, दिस अवार्ड इज नेम आफ्टर ए, जो हमारा अवार्ड है इज नेम, नाम पड़ा था आफ्टर ए मैथोलॉजिकल कैरेक्टर, एक मैथोलॉजिकल चरित्र होता है उसके नाम पर पड़ा था, फ्रॉम द महाभारत, ये महाभारत से लिया गया है। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेज, यह जो अवार्ड है रिकॉग्नाइजेज, इसको समझा गया है, जाना गया है, पहचाना गया है, रिकॉग्नाइजेज किया गया है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्टिंग अचीवमेंट, जो आउटस्टैंडिंग जो समझ से परे होता है, स्पोर्टिंग अचीवमेंट, जो साहसिक कार्यकर्ती अचीवमेंट दिखाती हैं, एट द इंटरनेशनल लेवल, जो इनका अंतरराष्ट्रीय स्तर होता है, ए फ्यू नोटेबल अवार्डेस आर विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर, विशम भुटिया एंड लैंडर पी, तो इस अवार्ड का नाम हमने आंसर लिख दिया है अर्जुन अवार्ड।
आपको फिल करना है अर्जुन अवार्ड, ए आर जे यू एन ए डब्ल्यू ए आर डी। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, दिस अवार्ड इज गिवन, यह अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट में सबसे ज्यादा एक्सीलेंस होता है कोचिंग, इट इज प्रेजेंटेड टू कोचेज, ये प्रेजेंट किया जाता है कोचेज के लिए, हुज टीम्स और प्लेयर्स, जिसकी टीम और जो खिलाड़ी होते हैं अचीव प्राप्त करते हैं एक्सीलेंस एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दिस अवार्ड इज नेम, इस अवार्ड का नाम पड़ा था आफ्टर अर्जुन गुरु, जो अर्जुन के गुरु थे इन महाभारत, महाभारत में अर्जुन के गुरु थे उनके नाम पर अवार्ड है ये। सम नोटेबल विनर्स, इसमें कुछ नोटेबल विनर्स होते हैं हमारे, विजयी होने वाले विजेता होते हैं ऑफ दिस अवार्ड, इस अवार्ड के आर कोनिलो असो, वालदेव सिंह एंड गुरचरण सिंह। इस अवार्ड का नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड, महाभारत से लिया गया है, महाभारत का नाम इसमें एक दे रखा है द्रोणाचार्य अवार्ड, डी आर ओ एन ए सी एच ए आर वाई ए अवार्ड, ए डब्ल्यू ए आर डी। सेकेंड में भरेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड। थर्ड नंबर है दिस इज इंडिया हाईएस्ट ऑनर, यह भारत का सबसे उच्च सम्माननीय फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, खेल में। दिस अवार्ड इज नेम, इस अवार्ड का नाम पड़ा आफ्टर ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भारत के थे उनके नाम पर। इट इज गिवन टू ऑनर, यह दिया जाता है सम्मान के लिए, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अवार्डीज इंक्लूड धनराज पिले, मैरी कॉम एंड महेंद्र सिंह धोनी, इन तीन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, दे चुके हैं। इस अवार्ड का नाम है गांधी खेल रत्न अवार्ड, जी ए एन डी एच आई, गांधी खेल के एच ई एल, खेल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यहाँ पर राजीव गांधी आर ए जे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये दिया जाता है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड रखा गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। थर्ड नंबर पे फिल करेंगे। और फोर्थ नंबर कह रहा है हमारा, दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर ए लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर, यह अवार्ड इज नेम्ड, नाम पड़ा था आफ्टर ए लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर, एक हमारा भारतीय हॉकी प्लेयर था। दिस इज इंडिया हाईएस्ट अवार्ड, यह भारत का सबसे उच्च अवार्ड होता है फॉर लाइफ टाइम, जीवन भर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, जो खिलाड़ी होते हैं एंड गेम्स, जो गेम खेलते हैं, साबिर अली, वरिंदर सिंह एंड उदय प्रभु आर सम नोटेबल, इन तीन व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। रेसिपिएंट्स ऑफ दिस अवार्ड, उस अवार्ड का नाम है ध्यान चंद अवार्ड, डी एच वाई ए एन ध्यान चंद सी एच ए एन डी अवार्ड। ये इस प्रकार हमारे दो चैप्टर कंप्लीट, इनको आप फिल करेंगे पेज नंबर 46 और 48 को।